हिंदू धर्म की कहानियों में द्वारका नगरी का नाम बहुत बड़ा है। ये शहर रहस्य और अजूबों से भरा हुआ है। द्वारका बस एक जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये भगवान कृष्ण के राज की निशानी है। द्वारका की कहानी भगवान, भक्ति और किस्मत की कहानी है। ये आज भी लोगों को मोहित करती है। द्वारका वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी और धार्मिकता से राज किया। ये शहर अपनी समृद्धि, सुंदरता और आध्यात्मिक ऑरा के लिए प्रसिद्ध हो गया। यह आशा और सद्भाव का प्रकाश स्तंभ था। द्वारका की विरासत समय से परे है। यह धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की याद दिलाता है। महाभारत, जो कि एक महान हिंदू ग्रंथ है, द्वारका का एक बहुत सुंदर वर्णन करता है। इसमें एक अद्वितीय वैभव वाले शहर का वर्णन है। द्वारका पश्चिमी भारत में गुजरात के तट पर एक द्वीप पर बनाया गया था। भगवान कृष्ण ने इस जगह को मुख्य भूमि भारत में चल रहे संघर्षों से बचने के लिए चुना था। द्वारका शांति और समृद्धि का केंद्र बन गया। यह बाकी दुनिया में फैली अशांति के बिल्कुल विपरीत था। द्वारका का निर्माण दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण है। कहा जाता है कि मथुरा से जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने लोगों के लिए एक नए घर की तलाश की। उन्होंने देवताओं के दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की ओर रुख किया। अपनी बेजोड़ कारीगरी के लिए प्रसिद्ध विश्वकर्मा ने कृष्ण की पुकार का उत्तर दिया। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके असाधारण भव्यता का शहर बनाया। उन्होंने कीमती रत्नों और धातुओं से सजाए गए शानदार महल बनाए। शहर को बहुत ही सटीकता के साथ बनाया गया था। इसमें चौड़ी सड़कें, सुंदर बगीचे और बहुत ही सुंदर जल निकाय थे। द्वारका एक ऐसा शहर था जिसे देखने वालों को विस्मित करने के लिए बनाया गया था। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक ऐसे शहर के रूप में किया गया है जो अपनी भव्यता में अन्यों से बढ़कर था। महाभारत एक ऐसे शहर की बात करता है जो सोने और कीमती पत्थरों से बना है। इसकी सड़कें क्रिस्टल से बनी थीं। हर कोने को सुंदर बगीचों ने सजाया था। ये बगीचे विदेशी फूलों और सुगंधित पेड़ों से भरे हुए थे। शहर में पक्षियों के मधुर गीतों और बहते पानी की मधुर आवाज गूंजती रहती थी। द्वारका व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। इसका बंदरगाह हमेशा दूर देशों के जहाजों से भरा रहता था। व्यापारी रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों से लदे हुए पहुंचे। शहर की दौलत और समृद्धि पूरी दुनिया में मशहूर थी। द्वारका संस्कृतियों और विचारों का संगम था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसकी दीवारों के भीतर सद्भाव से रहते थे। अपनी भौतिक भव्यता से परे द्वारका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह एक आदर्श राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर एक बुद्धिमान और धार्मिक राजा का शासन होता है। द्वारका में भगवान कृष्ण के शासन को अक्सर धर्म के प्रतीक के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनके शासन में न्याय, निष्पक्षता और करुणा थी। द्वारका मानव हृदय का भी प्रतीक है। जिस प्रकार द्वारका अनेक पहलुओं वाला नगर था, उसी प्रकार मानव हृदय भावनाओं और अनुभवों का एक जटिल ताना बाना है। द्वारका की यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। यह आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा है। सेक्शन 5, द सिटी दैट सैंक इन टू द सी। द्वारका की कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के धरती लोक से चले जाने के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया। इस घटना को सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति के रूपक के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि सबसे शानदार कृतियां भी समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। द्वारका का डूबना भी सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सृजन और विघटन एक शाश्वत चक्र का हिस्सा है। द्वारका के डूबने की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। यह भौतिक संपत्ति से विरक्ति और शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सेक्शन 6 द्वारका जेंड अ लेसन इन धर्मा। महाभारत द्वारका के अंत का अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह शहर के विनाश का श्रेय एक श्राप से शुरू हुई घटनाओं की एक श्रृंखला को देता है। श्राप के कारण शहर के भीतर व्यापक अराजकता और नैतिक पतन हुआ। अंततः इसके परिणाम स्वरूप इसका पतन हुआ। द्वारका का अंत एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह समृद्धि के समय में भी धर्म का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि जब धार्मिकता का ह्रास होता है तो उसका परिणाम पतन और विनाश होता है। सेक्शन 7 रीडिस्कवरिंग द्वारका अ जर्नी थ्रू टाइम। द्वारका की कथा सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करती रही है। वर्षों से इस पौराणिक शहर के अवशेषों का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। गुजरात के तट पर पानी के नीचे की खोजों से दिलचस्प सबूत मिले हैं। ये निष्कर्ष समुद्र के नीचे डूबी प्राचीन संरचनाओं की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जबकि इन खंडहरों की सही प्रकृति और सीमा का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। वे कभी महान शहर के अस्तित्व के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। सेक्शन 8 द्वारकाज इंड्यूरिंग लेगेसी। हालांकि द्वारका समुद्र में खो गया होगा, लेकिन इसकी विरासत जीवित है। यह शहर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बना हुआ है। दुनिया भर से श्रद्धालु गुजरात के आधुनिक द्वारका शहर का दौरा करते हैं। वे भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। द्वारका की कहानी प्रेरित और शिक्षित करती रहती है। यह हमें धार्मिकता के महत्व, भौतिक धन की क्षणभंगुर प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। द्वारका की कहानी केवल बीगोन युग की कहानी नहीं है, यह एक कालातीत कथा है जो मानव आत्मा को गूंजती रहती है।